हाय गाइस, क्या आपका भी हेयर फॉल होना चालू हो चुका है और आप चाहते हो कि पीआरपी करके अपना हेयर फॉल को रोके? तो आज की इस वीडियो में आपको अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। मैंने अपना तीसरा पीआरपी करवा लिया है और गाइस, मेरा बाल तो मोटा मोटा हो चुका है, आप कंडीशन मेरे बालों का देख सकते हो। और गाइस, मैं अभी आपको अपना हेड को वॉश करके दिखाऊंगा कि कितने ग्राफ्स मेरे आप झड़ रहे कि नहीं झड़े। तो गाइस, वीडियो पे एंड तक बने रहे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मुझे फर्स्ट टाइम शैम्पू दिया गया था वही शैम्पू है। मेरा शैम्पू चेंज कर दिया गया है लेकिन फिर भी मैं इसको लगा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने परसों ही अपना हेड को वॉश किया था, तो ये शैम्पू से ही मैं वॉश कर रहा हूँ। ये गाइस, एक दो बाल टूट रहा है, ये झड़ नहीं रहा, ये टूट रहा है एक दो बाल, जो ट्रांसप्लांट वाला मेरा बाल है। और ऐसे अगर पीछे से बात करें, पीछे का बाल मेरा नहीं झड़ रहा है, जो है ट्रांसप्लांट वाला एक दो बाल निकला है अभी। तो गाइस, ये आप देख सकते हो, ये ट्रांसप्लांट वाला बाल है, ये ट्रांसप्लांट वाला ही एक दो बाल जो निकल रहा है, क्योंकि अभी मेरा शेडिंग फेस चल रहा है इसलिए ट्रांसप्लांट वाला एक दो अभी निकल रहा है। ऐसे जो पीआरपी करने से यही फायदा हुआ कि ये जो मेरा पिछला बाल है ये सब मेरा मोटा हो चुका है, ये नहीं झड़ रहा है। तो गाइस, चलिए हेड को वॉश करते हैं। गाइस, जो ट्रांसप्लांट किया है उससे मेरा बाल सिर्फ एक दो निकल रहा है अभी, क्योंकि अभी मेरा 3 मंथ कंप्लीट हुआ। बोला गया था कि 3 से 4 महीना तक सेटिंग फेस थोड़ा चलेगा, हल्का फुल्का एक दो बाल निकलेगा ट्रांसप्लांट वाला। जो ये मेरा पिछला बाल है ये सब मोटा हो चुका है, ये सब नहीं झड़ रहा है। तो पीआरपी आप भी कर सकते हो, पीआरपी करने से यही होगा कि आपका बाल जो है झड़ना बंद हो जाएगा, ये सक्सेस है।